प्रिय प्रदेशवासियों, आज फिर मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज फिर मध्य प्रदेश की धरा रीवा पर पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अनेकों सौगातें लेके आ रहे हैं। एक तरफ वो हमारे गरीब बहनों और भाइयों को, ऐसे 4 लाख हितग्राहियों को 4,11,000 गृह प्रवेशम का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और 4,11,000 गरीब बहनों भाइयों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। दूसरी तरफ वे स्वामित्व के अधिकार पत्र का प्रदाय करेंगे। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहनों और भाइयों के पास जमीन भी है, उस पर मकान भी बना हुआ है, लेकिन कोई अधिकार पत्र नहीं था। अब 1.25 करोड़वां अधिकार पत्र प्रधानमंत्री जी रीवा में हितग्राहियों को सौंपेंगे। इस बीच वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 7,853 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इससे रीवा, सतना और सीधी जिले के गांवों को पीने का पानी घर में ही मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछा के घर में टोंटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अब तक हम 57 लाख घरों में ये पीने का पानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहुंचा चुके हैं। अब पुनः प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रेलवे की सौगातें भी आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। 2300 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करने का काम करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क से 100% विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण का काम, आमान परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का भी शिलान्यास करेंगे और रीवा को सीधे नागपुर से जोड़ने का भी काम करेंगे। ट्रेनों के माध्यम से 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर वे शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत स्वागत। आइए 11 बजे रीवा में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद।